शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा तोमर। सरकार का प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने अब चुनावों के वक्त एक वादा युवाओं को लेकर भी किया था। सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण की व्यवस्था करने का वादा किया था और अब सरकार इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाने भी जा रही है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी का तो यह मुख्य चुनावी वादा था और कुछ दिन पहले ही इस प्रकार के प्रस्तावित अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण और निजी क्षेत्र की नौकरी में युवाओं को 75% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाला विधेयक लाया जाएगा। हरियाणा का मानसून विधानसभा सत्र 26 अगस्त से आरंभ होगा। पिछले महीने स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की व्यवस्था करने वाले अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी और अब आगामी सत्र में इनसे संबंधित विधेयक भी लाया जाएगा। ऐसी ही तमाम गतिविधियों को देखने के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।